रीवा में आज विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद युवाओं के द्वारा कलेक्टर को पत्र सौंपा गया, जिसमें युवाओं ने अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ रखा है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने स्वयं से इस क्रांति का आगाज किया है, जिससे अन्य युवाओं को अपने मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके। ज्ञात हो कि 9 अगस्त 1942 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में अगस्त क्रांति का नाम भी दिया गया। और अब आज ही के दिन रीवा की युवा तरुणाई जागी है तथा बेरोजगारी, सुरक्षा सहित अन्य कई मांगों को लेकर अब विंध्य क्षेत्र के युवा आंदोलनरत हो चुके हैं, जिसके लिए आज बिना किसी संगठन का सहयोग लिए सैकड़ों की तादाद में युवा विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुए, जहां से युवाओं की टोली ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का कलेक्टर को पत्र सौंपा है। दरअसल विंध्य क्षेत्र में अधिकांश युवा बेरोजगारी से परेशान हैं तथा रोजगार के लिए दर दर भटकते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बदहाली भी के चलते भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अब इन मुद्दों को लेकर सड़क में लेकर युवाओं की टोली मुखर हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर युवाओं के द्वारा अपील की जाएगी, जिसके लिए वह विंध्य क्षेत्र में घर घर जाकर जागृत अभियान चलाएंगे तथा स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त से इस आंदोलन को वृहद रूप दिया जाएगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से बेतहाशा बेरोजगारी है और हर जगह बेरोजगार को रोजगार के नाम पे आउटसोर्स, जितने भी यहाँ शासकीय कार्यालय हों या शासकीय काम हों या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या ठेकेदार हों, हर जगह युवाओं को 6-7 हज़ार रुपये में रखा जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको घर चलाना है, बच्चों को पालना है, वृद्ध माँ बाप की भी चिंता है। और इस परिस्थिति में अगर किसी को यहाँ रोजगार मिल भी जाता है, मिनिमम वेज नहीं दिए जाते, अगर किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो तो उनको किसी तरह से सुरक्षा सहायता नहीं दी जाती। आज से पूर्व में भी कई तरह के लोग मर गए बिजली विभाग में, कई अपाहिज हो गए और कई उद्योगों में इस तरह का हो रहा है। अभी आपने पिछले जुलाई महीने में एक बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी के बारे में सुना है, और आप सब ने, समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि जो 50 और 100 रुपये तक सेविंग रखे थे उन्होंने मदद की, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी रुपये की मदद नहीं की है। हमारी पहली मांग तो यह है कि युवाओं को यहाँ लोकल जितने भी उद्योग हैं रोजगार मिले, पर रोजगार के साथ उनको सुरक्षा और सम्मान भी मिले, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जिस दिन दुर्घटना हुई पवन तिवारी की, संबंधित कंपनी और संबंधित विभाग के लोग उसको छोड़ के भाग गए, पवन तिवारी का हस्ताक्षरित पत्र FIR के लिए नई गढ़ी थाने में दिया गया, लेकिन किसी पे भी आज तक FIR नहीं हुई। उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी है, जिसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम है, 2000 करोड़ रुपए उन्होंने अपना ITR 100 किया है। जो 2000 करोड़ की कंपनी इस तरह का काम कर रही है और अपने पीड़ित कर्मचारी को मेडिकल सुविधा तक न दे, ये बहुत शर्म की बात है। तीसरा सवाल है कि यहाँ के प्रशासन के ऊपर क्या ऐसा दबाव है, क्या ऐसी परेशानी है कि पवन तिवारी के जीवन को बचाने के लिए, पवन तिवारी जैसे युवाओं को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ट्रिक डिटेक्टिव जैसे मगरमच्छ को बचाने के लिए पूरा यहाँ का रीवा का तंत्र लगा हुआ है, जिस कारण से उस पर आज तक FIR नहीं। हमारी मांग है कि इस तरह आउटसोर्स जो लड़के हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, उनको जो एग्रीमेंट के हिसाब से और सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से इक्विपमेंट है वो सारे प्रोवाइड कराए जाएं। अगर कोई कंपनी, कोई ठेकेदार सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देता, उसके ऊपर तत्काल FIR हो। और जितने भी दोषी, अब बात तो ये नहीं है कि दोषी कौन कौन थे, आज तक FIR ना होने के लिए जिन जिन आदमियों ने प्रयास किया कि FIR ना हो, संबंधित सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। नहीं, आज 9 अगस्त अगस्त क्रांति है, 15 अगस्त को हर घर से एक युवा निकलेगा, और इन 6 दिन में अगर FIR नहीं होती, ट्रिक डिटेक्टिव का जो स्वर्ण सलारिया है
जो बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, उसकी नेतागिरी अपनी जगह है। हमारे रीवा के युवाओं की जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कितना बड़ा है। कोई अभी कलेक्टर साहब से क्या बात हुई है, क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सुरक्षा के संबंध में तत्काल करता हूं, और एक उनसे हमने मांग की है कि आप सरकार तक ऐसा और ये हम सब की जो मांग है पहुंचाइए कि जब हर तरफ प्राइवेटेशन हो रहा है, सारी कंपनी प्राइवेट हो रही हैं और युवा प्राइवेट में ही काम करेगा, उसके जीवन रक्षा के लिए क्या प्रयास किया जाए। उन्होंने बोला मैं पत्र लिखूंगा, उन्होंने बोला है स्वतः संज्ञान लेके, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे तो क्यों नहीं है उसको करेंगे, और उन्होंने बोला है कि हम FIR करवाएंगे। अब उन वैसे ये चौथी पांचवी बार हम लोगों की कलेक्टर साहब से मुलाकात हो चुकी है। अभी आज से 15 दिन पहले 16 तारीख को 15-20 दिन पहले आपने देखा कि हाँ हम लोग अमर अनशन बैठे थे, SDM महोदय और CE साहब ने दस्तखत करके दिए कि कार्यवाही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी मिलके ट्रिग कंपनी के मालिक को और उसके मैनेजमेंट को एक्सपोज करिए कि ये इतना बड़ा गरीब आदमी है कि अपने कर्मचारी की दवाई तक कराने का ये प्रयास नहीं किया। यदि कार्यवाही नहीं हो तो आगे आप क्या करेंगे? अभी दमन कर ले। हम लोग 15 अगस्त से पूरे रीवा जिले के हर माँ बाप से, हर युवा से प्रार्थना करेंगे घर घर जाके कि अब इस तरह मरने से अच्छा है कि अपने भाइयों के लिए, अपनों के लिए एक इंकलाब खड़ा करने के लिए 15 अगस्त से नई क्रांति का आगाज करेंगे, और वो क्रांति आज से ही शुरू हो गई है।